हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें डिस्कस किया था कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे एज अ पर्सन यूएस में रहने के लिए बहुत पसंद आई थी। बट सर्टेनली हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो कुछ ड्रॉबैक्स हम जो फेस करते हैं एज अ पर्सन यूएस में रहने के, वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट दैट गोज विदाउट एनी रीजन इज मिसिंग फैमिली। जब आप यहाँ रहते हो तो अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हो, सारी फैमिली फंक्शंस आप मिस कर देते हो, और सबसे ज़्यादा बुरा आपको तब लगता है जब आपकी सारी फैमिली एक साथ मिलके फैमिली फंक्शंस इंजॉय कर रही होती है, अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करा के फेसबुक पे डाल रही होती है, एंड यू आर जस्ट सिटिंग हियर ब्राउजिंग थ्रू देयर फोटोज, और तब आपको बहुत बुरा लगता है। आप भगवान से ये बोलते हो कि काश मैं भी इस फंक्शन में जा पाती, मैं भी इनके साथ शामिल हो पाती। वो आप एथनिक वेयर पहनना, सजना धजना बहुत मिस करते हो, अपनी फैमिली से मिलना, उनके साथ बातें करना, वो खुशियों के मोमेंट्स स्पेंड करना आप बहुत मिस करते हो यहाँ रह के। एंड स्पेशली फैमिली फंक्शंस तो आप मिस करते ही करते हो। जब कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है फैमिली में, आपकी दादी बीमार हैं या दादू बीमार हैं, या फिर नाना नानी बीमार हैं, या फिर आपके मामा की कोई सर्जरी है, पापा बीमार हैं, या फिर आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, भाई के बच्चा हुआ है, तब भी आप नहीं जा पाते, उनके सारे फंक्शंस आप मिस कर देते हो। सो आपको उस टाइम बहुत बुरा लगता है, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हम कितनी दूर हैं। उस टाइम पे आप एक्चुअली माइल्स कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हो कि हम 13,000 माइल दूर हैं, 14,000 माइल दूर हैं। वैसे आम दिन फैमिली इतनी ज़्यादा याद नहीं आती, आप व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू उन्हें देख लेते हो, स्काइप कॉलिंग के थ्रू उन्हें देख लेते हो, फ़ोन पे आप बात कर लेते हो, आजकल तो फ़ोन की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बट स्टिल जब फैमिली फंक्शंस होते हैं और आप नहीं जा पाते तो आप बहुत उन्हें मिस करते हो। और सर्टेनली इतनी दूर से आप हर फैमिली फंक्शन में नहीं जा पाओगे। अगर कोई एक दिन का फंक्शन है तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम उठे और चले गए और फैमिली फंक्शन अटेंड करके वापस आ गए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ जाने से पहले जो आपके दिमाग में आते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि मॉनेटरी फैक्टर है। उसके बाद अगर आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो उनका स्कूलिंग, उनका ऑफिस, किस टाइम से टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। और जहाँ पे आपकी फैमिली होती है वहीं पे कहते हैं ना कि आपका बसेरा हो गया। तो पहले आप अपने बसेरे को देखना स्टार्ट कर देते हो, और फिर वो फैमिली धीरे 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 करके आपसे दूर हो जाती है। अब बात करते हैं अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स की। हम में और हमारे बच्चों में बहुत डिफरेंस है। हम ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जहां हमारे दादू थे, दादी थी, चाचियां थी, चाचा थे, सब सारे हमारे बहुत सारे कजन्स थे, हम साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे। बट यहाँ पे जब आप रहते हो तो बच्चे सिर्फ मम्मा पापा के साथ रहते हैं, उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल पाता, वो सिर्फ अपने मम्मी पापा को देखते हैं। और एक जो मेजर चैलेंज मुझे बच्चों में लगता है वो ये है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश करें अपनी नेटिव लैंग्वेज अपने बच्चे को सिखाने की, बट इवेंचुअली जब बच्चा यहाँ पे स्कूल जाएगा तो इंग्लिश ही उसकी मदर टंग बन जाएगी, और यहीं का वो एक्सेंट पकड़ लेता है। तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है बच्चों को, बड़े होते होते अपने ग्रैंड पेरेंट्स से वो बात नहीं कर पाते, और जब वो अपने कजन्स से भी बैक इन इंडिया बात कर रहे होते हैं तो वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, और उनके कजन्स उनके कजन्स को भी इंग्लिश आएगी बट उस एक्सेंट से नहीं आएगी, तो वो आपस में वो बॉन्ड ही क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो हमने अपने कजन्स के साथ बॉन्ड क्रिएट किया था। तो यहाँ के बच्चे बहुत, उनका माइंडसेट अलग हो जाता है, उनकी अपब्रिंगिंग पूरी डिफरेंट हो जाती है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बिल्कुल फैमिली से अलग होते चले जाते हैं। सो ये मुझे एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक लगता है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं अपने बेटे को हमारी नेटिव हिंदी लैंग्वेज सिखाने की, बट इवेंचुअली जब वो स्कूल जाएगा तो वो इंग्लिश ही सीखेगा, और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चे को उसके ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्टेड रखना, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स उस एक्सेंट वाली इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे, और ये बच्चा जो है वो इंग्लिश ही उसकी मदर टंग बन जाएगी। चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, वो थोड़े बहुत रिप्लाइज हिंदी में दे देगा बट इवेंचुअली उसके मुंह से इंग्लिश ही निकलेगी और वही एक्सेंट के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि गैप हो जाता है बच्चों में और अपनी इंडिया की फैमिली में।
नेक्स्ट जो मेजर ड्रॉबैक मुझे यूएस में रहने का लगता है वो ये है कि यहाँ पर कार के बिना सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी दूर दूर है. सो आइदर यू हैव टू हैव योर ओन कार जिससे कि आप अपने डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुँच पाएँ, या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा हो जिससे कि आप लिफ्ट या ऊबर को पैसे देते रहें अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए. यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ले सकते हैं, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिग सिटीज़ में ही ज़्यादा अच्छा है. अगर आप छोटे सिटीज़ में हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा भी नहीं है. और यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री वेदर कंडीशंस एकदम एक्सट्रीम रहते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है या तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी. तो उन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको आपके डोर स्टेप पे नहीं मिलता. आपको थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको बस स्टॉप मिलेगा, और फिर वहाँ से आपको अपने बस पकड़ के जाना पड़ेगा. तो उन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में पैदल चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट काइंड ऑफ यहाँ पे नो नो हो जाता है. सो यू हैव टू हैव योर ओन कार. और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जिन्हें ड्राइव करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाती हैं और होम अरेस्ट हो जाती हैं, और वो पूरा दिन वेट करती हैं. अगर उन्हें कोई इंडियन ग्रोसरी स्टोर से सपोज करिए ग्रीन चिलीज़ भी लानी है, तो वो पूरा दिन वेट करेंगी जब उनके हस्बैंड आएंगे, वो उनके साथ ड्राइव करके इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगी, अपना सामान लेंगी और वापस आएंगी. तो यहाँ पे एक हाउसवाइफ्स के लिए या लेडीज़ के लिए आप कहिए काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है अगर आपको ड्राइव करना नहीं आता या फिर आपके पास अल्टरनेट कार नहीं है ड्राइव करने के लिए. तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स विद इन फैमिली. अगर आपके घर में कोई बीमार है, सपोज करिए आप बीमार हैं या आपका बच्चा बीमार है या आपके हस्बैंड बीमार हैं, तो यहाँ पे इट्स ओनली यू एंड योर हस्बैंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स. अगर आप बीमार हैं तब भी आप उठ के खाना बनाएंगी या फिर आपके हस्बैंड खाना बना देंगे. अगर आपके हस्बैंड बीमार है तो इट इज़ ओनली यू हु विल टेक केयर ऑफ होम एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. अगर आपका बच्चा बीमार है तब भी आपको और आपके हस्बैंड को मिलके सब कुछ करना पड़ेगा, अनलाइक इंडिया जहाँ पे आपके पूरी एक्सटेंडेड फैमिली आ जाती है आपको हेल्प करने, आपका हालचाल पूछने. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. अनटिल एंड अनलेस यू हैव गुड नेबरहुड, यू हैव गुड फ्रेंड्स, बहुत कम आपको यहाँ पे हेल्प मिल पाती है. क्योंकि यहाँ पे अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स भी हैं तब भी सब लोग वर्किंग हैं, सब लोग की जॉब है, सब लोग को अपना अपना काम देखना रहता है. सो बहुत ज़्यादा हेल्प आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे. सो एक चीज़ मुझे वो बहुत उस टाइम पे फैमिली की जो मिसिंग फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. जब मैं यहाँ पर नई आई थी, मुझे एक महीना भी नहीं हुआ था US में आए हुए, और मेरे हस्बैंड को H1N1 फ्लू डिटेक्ट हुआ था, और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी. सो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में अकेले थे और मैं घर पर अकेली थी. देर वॉज नो वन जो उनको हॉस्पिटल में देख ले या मुझे घर पर देख ले. वो अपने आप को हॉस्पिटल में हैंडल कर रहे थे और मैं घर पे अपने आप को हैंडल कर रही थी. तो वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड वाली सिचुएशन बन जाती है, और उस टाइम पे आपको लगता है कि काश हम भी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते, या काश हमारे भी पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे होते, जिससे कि कुछ तो हमारी हेल्प हो जाती, कोई तो हमारे ऊपर बड़ा होता हमें देखने के लिए. सो उस टाइम पे आपको फैमिली बहुत याद आती है. नेक्स्ट जो मेजर ड्रॉबैक है वो मेनली लेडीज़ के साथ कंसर्न है, क्योंकि अक्सर हम इंडियन लेडीज़ ही अपने हस्बैंड्स के साथ आती हैं आफ्टर मैरिज ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा. सो अगर आप यहाँ पर डिपेंडेंट वीज़ा पर हो, सो यू आर नॉट ऑफिशियली अलाउड टू वर्क. नो मैटर हाउ मेनी डिग्रीज यू हैव, नो मैटर हाउ मच टैलेंट यू हैव, नो मैटर हाउ मच टाइम यू हैव टू वर्क, यू आर नॉट लीगली अलाउड टू वर्क एंड अर्न सम मनी. सो आप बचपन से जब सोचते हुए आते हो कि आप अपने पैरों पर खड़े होगे, डिपेंडेंट नहीं होगे, किसी के इंडिपेंडेंट लाइफ जियोगे, वो चीज़ यहाँ पर आने के बाद आपसे छीन ली जाती है और आपके वीज़ा स्टेटस में आ जाता है कि यू आर डिपेंडेंट. सो कभी कभार वो डिपेंडेंट टर्म लेडीज़ को अंदर से किल करना स्टार्ट कर देता है, एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ लेडीज़ ड्राइव देमसेल्व्स इनटू डिप्रेशन. सो उन लेडीज़ के लिए मेरी एक यही छोटी सी टिप रहेगी कि आप प्लीज़ अपने खाली टाइम को एंगेज करने की कोशिश करिए अपने आप को. आपको जो पसंद है आप वो करने की कोशिश करिए. आप ब्लॉग्स लिख सकती हैं, आप पोएम्स लिख सकती हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई, आपको जो पसंद है आप वो करिए, बट अपने खाली टाइम में अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करिए. दिस माइट यू नो मेक यू फील हैप्पी एंड नॉट मेक यू फील होम अरेस्ट एंड ड्राइव इन टू डिप्रेशन. सो प्लीज़ अपने खाली टाइम को एंगेज करने की कोशिश करिए. ये सिचुएशन काफ़ी सारी लेडीज़ के साथ है US में, बट
unfortunately, we have to deal with it and we have to step out of it as a strong woman. So, ये थी मेरी आज की वीडियो. ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है. आपका व्यू पॉइंट कुछ डिफरेंट भी हो सकता है. अगर आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा. और होप करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन यू टेक केयर. बाय.